आश्रयहीन लोगों को आसरा आवास योजना में आवास दिलाने के संबंध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में बरबलान क्षेत्र के लोगों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से बरबलान क्षेत्र के लोगों ने यह मांग की कि थाना मुगलपुरा अंतर्गत मोहल्ला बरबलान रामगंगा के किनारे भूमाफियाओं के जाल में फंसकर जमीन खरीदकर उन्होंने मकान बनाए थे। वहां पर मजदूर वर्ग के लोग कर्जा लेकर अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य कर रहे थे कि नगर निगम ने उस जमीन को अवैध घोषित करते हुए उनके मकानों को तोड़ दिया। नगर निगम की इस कार्यवाही से वहां रहने वाले मजदूरों के पास घर का ठिकाना खत्म हो चुका है, जिसको लेकर वे लोग कई बार प्रदर्शन करके आसरा योजना के तहत मकान देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी न होने के कारण आज अम्बेडकर पार्क से मंडल कार्यालय तक जुलूस निकालकर मंडलायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया और ज्ञापन के माध्यम से आसरा योजना के अंतर्गत आवास देने की मांग उठाई है। क्या समस्या आपकी, क्यों आप यहाँ पर? हमारे बरबलान में जो मकान तोड़े गए हैं, गरीब और मजदूर लोग रहे हैं और उन लोगों ने कर्जा लेकर मकान बनवाया है। अब कर्जे के चक्कर में लोग बहुत से दबे हुए हैं और बेघर भी हैं और बेआसरा वो ऐसी परियों में पड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें उन लोगों की मकान की व्यवस्था करे और उन लोगों को मकान दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो करेंगे आप? तो हम और आंदोलन करेंगे। जब तक हमारे ये सारे साथियों को घर नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे। क्या नाम आपका? रोहतास कुमार दास जी। क्या मामला है, क्या परेशानी आपका? आज हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इससे पूर्व में हम 18 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दे चुके हैं। थाना मुगलपुरा के अंतर्गत मोहल्ला बरबलान है, वहाँ तमाम भू माफियाओं ने गरीब लोगों को अपनी ज़मीन बता करके ज़मीनें दी और इन लोगों ने कर्ज ले करके उन मकानों को बनाया और यहाँ के प्रशासन ने उन्हें अवैध बता करके बुलडोजर चला दिया, उन मकानों को कड़ाके की ठंड में तोड़ दिया और ये गरीब बेसहारा लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि तोड़ने से पहले इन लोगों को मकानों की व्यवस्था करते ताकि इन्हें सर ढकने को जगह मिल जाती, उसके बाद उन मकानों को ध्वस्त करना चाहिए था और अभी तक प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि आसरा आवास योजना के तहत इन गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाएं ताकि ये अपना सर ढक